अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। MJH टुडे में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। 15 मुहर्रम 1440 हिजरी बमुताबिक 25 सितंबर 2018 बरोज मंगल सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर आपको सुनाऊंगा सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने आप को सऊदी अरब के हालात से बाखबर रखना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। उर्दनी हुकाम ने 80 साल सऊदी को जुर्माना न देने पर सफर से रोक दिया। तबूक में उर्दनी हुकाम ने एक 80 साल सऊदी शहरी को 9000 दीनार जुर्माना अदा न करने पर अमान से सऊदी अरब के सफर से रोक दिया। ये रकम सऊदी करेंसी में 50,000 रियाल के बराबर है। सऊदी शहरी अपने वालिद के हमरा उर्दन गया हुआ था। तफसीलात के मुताबिक सऊदी शहरी मोहम्मद अल अतवी ने 2014 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके वालिद की जीप लैंड क्रूजर ओमान के अब्दून इलाके में चोरी कर ली गई। अल अतवी ने सीसी कैमरे की रिपोर्ट भी जमा करा दी थी, जिसमें देखा जा सकता है कि वारदात करने वाले सऊदी की गाड़ी चोरी कर रहे हैं। मुतल्लिका हुकाम ने उसे गाड़ी चोरी होने का सर्टिफिकेट भी दे दिया था। ताहम लाइल्मी के बायस अल अतवी ने उर्दन के कस्टम हुकाम से रजू नहीं किया, जिन्होंने मसरूका गाड़ी पर मजकूरा जुर्माना आयद कर दिया। गाड़ी अभी तक मिली नहीं। अल अतवी का कहना है कि हम दौरे अजाब में मुबतला हैं। एक तरफ तो गाड़ी हाथ से चली गई और दूसरी जानिब कस्टम्स हुकाम के आयद करदा जुर्माने के बायस उर्दन से निकल नहीं सकते। यौमुल वतनी पर डिजिटल स्क्रीन वाली बसें। वजारत इस्लामी अमूर और दावत रहनुमाई ने इस साल 28वें यौमुल वतनी के मौके पर अवाम के शाना बशाना कौमी जश्न मुख्तलिफ अंदाज में मनाया। वजारत ने डिजिटल स्क्रीन वाली बसें रियाज की सड़कों पर घुमाई। बस पर सऊदी कायदीन की तस्वीर लगी थी, जबकि स्क्रीन से वीडियो क्लिप भी दिखाए गए। मकामी शहरियों ने वजारत के इस इकदाम पर पसंदीदगी का इजहार किया। शाह सलमान आज हरमैन ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। दौरा से अहले मदीना की खुशियाँ दोबाला। तकरीब में शाही खानदान के अफराद, वुज़रा, उलमा, मिल्ली और बैन अल-अक़वामी मुमताज़ शख्सियात, मुस्लिम रहनुमा और अहम सरमायाकार शरीक होंगे। वजीर नकलो हमल अहले तैबा ने दौरा को नेक पाल करार दे दिया। गवर्नर फैसल बिन सलमान, खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आज मंगल को हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। वजीर नकलो हमल डॉक्टर नबील अल अमूदी ने ये इत्तला देते हुए वाजे किया कि तकरीब में शाही खानदान के अफराद, वुज़रा, उलमा, बैन मुल्की और बैन अल-अक़वामी मुमताज शख्सियात, मुस्लिम रहनुमा, बड़े सरमायाकार और हरमैन ट्रेन प्रोजेक्ट नाफज करने वाली कंपनियों के नुमाइंदे शरीक होंगे। आज से हरमैन ट्रेन बाकायदा तौर पर चलने लगेगी। इससे सालाना 60 मिलियन अफराद सफर कर सकेंगे। 35 ट्रेनें अल हरमैन रूट पर चलेंगी। हर एक में 417 नशिस्तें होंगी। ये बरकी ट्रेन होगी। रूट पर बिजली फराहम करने वाले 6 पावर हाउस कायम कर दिए गए हैं। ट्रेन की फी घंटा रफ्तार 300 किलोमीटर से ज्यादा होगी। रेलवे कारपोरेशन के कायम मकाम सरबराह डॉक्टर रमी अल रमी ने बताया कि ये ट्रेन मशरक वस्ता की पहली तेज रफ्तार बरकी ट्रेन है। ये 450 किलोमीटर का फासला तय करेगी। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, जद्दा, किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी राबग में इसके स्टेशन हैं। इसके अलावा गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा फैसल बिन सलमान ने खादम हरमैन शरीफैन के दौरे मदीना मुनव्वरा पर इजहार मुसारत करते हुए कहा कि तैबा के बाशिंदे इसे अपने लिए नेक पाल के तौर पर ले रहे हैं। शाह सलमान के दौरे मदीना से शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाशिंदों की खुशियाँ दोबाला हो गईं। ये दौरा 28वें यौमुल वतनी के जश्न के माहौल में हो रहा है। उन्होंने तवज्जो दिलाई खादम हरमैन शरीफैन के अहद में मदीना मुनव्वरा में मुतअद्दद तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए। ये सब मकामी शहरियों और ज़ायरीन के आराम और राहत का सरचश्मा हैं। यौमुल वतनी के जश्न और खादम हरमैन शरीफैन के दौरा मदीना के तनाजुर में पूरा शहर सजा हुआ है। मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की वतन अजीज खसूसन मदीना मुनव्वरा से मोहब्बत और वाबस्ती का इजहार जोशो खरोश के साथ कर रहे हैं। इतदाल पसंद शिया सुन्नी हर जगह मुतहद, फिरका वारियत सियासी खेल है। अल ईसा,
رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد العیسیٰ نے واضح کیا کہ اعتدال پسند شیعہ سنی ہر جگہ اسلام کے سائبان تلے جمع ہیں۔ دونوں فرقوں کے اعتدال پسندوں کے درمیان نہ کوئی تصادم ہے اور نہ محاذ آرائی کا ماحول۔ دونوں فرقوں کے اعتدال پسند عناصر اسلام کے سائبان تلے متحد ہیں، سچی حب الوطنی اور خیر پسندی سے محبت کے رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں، کثرت رائے اور اختلاف میں تنوع کو خالق حقیقی کی دین سمجھتے ہیں۔ علیسہ نے توجہ دلائی کہ محاذ آرائی فرقہ وارانہ انتہا پسندوں کے ساتھ ہے، ان میں سنی یا شیعہ سب ایک پیج پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتہا پسندانہ فرقہ واریت سیاسی کھیل ہے، سیاستدان اسے معاشروں کی تباہی اور دونوں فرقوں کے لوگوں کے درمیان نفرت و عداوت کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ بیروت میں شیعہ فرقے کے ممتاز علماء سے ملاقاتوں کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ یوم الوطنی پر نقش وطن، الافلاج میں امیر ستام بن عبدالعزیز یونیورسٹی کی فیکلٹیوں کے 4000 طلباء نے بسمہ وطن یعنی نقش وطن کے عنوان سے ایک دیوار پر فنگر پرنٹس مرتسم کر کے اپنے انداز میں یوم الوطنی منایا۔ اسے محبان مملکت کے فنگر پرنٹ سے آراستہ دیوار وطن کا نام دیا گیا۔ جدہ شہروں کی دلہن تھا، ہے اور رہے گا خالد الفیصل۔ گورنر مکہ مکرمہ خالد الفیصل نے واضح کیا کہ جدہ شہروں کی دلہن تھا، ہے اور رہے گا وہ جدہ کے تمدنی تشخص پر ہونے والی ورکشاپ سے افتتاحی خطاب کر رہے تھے۔ خالد الفیصل نے کہا کہ قومی تشخص کو جلا دینے کے لیے ہم نے ماضی میں بھی عوام کے حوصلے بلند کیے اور آج بھی ہم یہی کام دہرا رہے ہیں۔ میئر جدہ صالح الترکی نے بتایا کہ ہمارے شہر میں کم از کم 60 محلے کچی آبادی والے ہیں، شہر کی 80% عمارتیں غیر قانونی ہیں، یہاں 85,000 گڑے اصلاح طلب ہیں، یہاں 90,000 گندے پانی کے کنویں کھلے پڑے ہیں۔ الترکی نے کہا کہ تجاوزات کرنے والوں سے بھی مقابلہ چل رہا ہے۔ حرم شریف کی تیسری توسیع کا منصوبہ، شاہ سلمان کا زرعی کارنامہ۔ حج موسم 1439 ہجری کے دوران مسجد الحرام میں آل سعود کی تیسری توسیع کے تحت قائم کی جانے والی تمام عمارتوں سے حجاج کرام فیضیاب ہوئے۔ بانی مملکت شاہ عبدالعزیز کے ہاتھوں سعودی عرب کے قیام کے بعد سے لے کر تا حال مسجد الحرام میں بار بار توسیع کی گئی۔ ہر سعودی حکمران کا نصب العین حجاج کرام کو فریضہ حج کی ادائیگی میں سہولتیں فراہم کرنا رہا۔ ان دنوں سعودی عرب خاتم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر قیادت مسجد الحرام کی خدمت کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے۔ جولائی 2018 کے دوران انہوں نے 5 نئے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ عالمی شہر سعودی پرچم سے آراستہ، بہت سارے عالمی شہروں نے سعودی عرب کے یوم الوطنی کے موقع پر سعودی پرچم کثیر تعداد میں نمایاں مقامات پر لہرا کر سعودی عوام اور قیادت سے محبت کا اظہار کیا۔ ان میں دبئی، ابوظہبی، قاہرہ، کویت، پیرس، نیو یارک قابل ذکر ہیں۔ قاہرہ ٹاور کو سبز رنگ سے آراستہ کر دیا گیا۔ کویت کے معروف تینوں ٹاورز پر سعودی پرچم لہرائے گئے، جبکہ کویت کے پرچم کے پہلو بپہلو المبارکیہ مارکیٹ کو سعودی پرچموں سے سجا دیا گیا۔ ابوظہبی کی تمام سڑکوں پر ہر جانب سعودی پرچم لگا دیے گئے۔ دبئی میں برج خلیفہ کو سعودی پرچم سے آراستہ کیا گیا۔ بہت ساری ویب سائٹس پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی تصاویر آویزہ کی گئی۔ امریکی شہر نیو یارک کے معروف ٹائم سکوائر پر دونوں رہنماؤں کی تصاویر لگائی گئی۔ دہشت گردی کے الزام میں 355 افراد گرفتار، سعودی سیکورٹی فورسز نے 1439 ہجری کے دوران ریاستی سلامتی اور دہشت گردی کے الزامات میں 355 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے ایک کی شہریت نامعلوم ہے، جبکہ دیگر کا تعلق 31 ممالک سے ہے۔ گرفتار شدگان کا مشترکہ ہدف سعودی سلامتی کو خطرات لاحق کرنا تھا۔ الوطن اخبار نے اس کی تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ ریاستی سلامتی اور دہشت گردی کے الزامات میں گرفتار کیے جانے والوں میں 18 پاکستانی، 14 ہندوستانی، 123 یمنی، 55 شامی، 41 مصری، 19 سوڈانی، 16 ترکی، 13 فلپائنی، 5 اردنی، 3 افغانی، 3 لبنانی، 2 انڈونیشی، چینی، قطری، بحرینی، 1 چاڈ، مالی، عمان، امارات، روس، ایتھوپیا، ایریٹیریا، کینیڈا، صومالیہ، ایران، کرغستان، کینیا، نائجیریا، فلسطین، سری لنکا اور امریکہ سے ہے، جبکہ ایک کی شہریت معلوم نہیں ہو سکی اور ایک در انداز ہے۔
पेंशन के इदारे की 68.5 अरब रियाल की सरमायाकारी। पेंशन के आला इदारे ने बताया कि वो 65 कंपनियों में 68.5 अरब रियाल लगाए हुए है। यह अदादोशुमार 2017 के आखिर तक के हैं। सालाना रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि गुज़श्ता साल सरमायाकारी से होने वाली आमदनी में 9% तक इजाफा हुआ है। निजी इदारों के लिए क्रेडिट में इजाफा। साले रवां के जुलाई के अख्ताम तक निजी इदारों को मकामी बैंकों ने 1.372 ट्रिलियन रियाल क्रेडिट की सहूलत फराहम की। 2017 के जुलाई में 1.362 ट्रिलियन रियाल क्रेडिट फराहम किया गया था। गुज़श्ता वर्ष के मुकाबले में इस साल 0.74% का इजाफा हुआ। हरबी असलहा का सौदा काबले सजा जुर्म। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया कि जंग में इस्तेमाल के लिए बनाए जाने वाले असलहा के इस्तेमाल या उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने या उनकी खरीदो फरोख पर 15 बरस कैद की सजा होगी। जुर्माना 150,000 रियाल तक होगा। दोनों में से किसी एक सजा पर भी इक्तफा किया जा सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तवज्जो दिलाई कि असलहा और गोला बारूद कानून के मुताबिक हथियार जखीरा करना या बिला इजाजत गोला बारूद महफूज करना काबिले सजा जुर्म है। इस पर 18 माह तक कैद और 6,000 रियाल तक जुर्माने या दोनों में से कोई एक सजा दी जा सकती है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने यह भी बताया कि हमले या लड़ाई झगड़े के दौरान धमकी की गर्ज से हथियार का इस्तेमाल या हथियार का मुजाहिरा काबिले सजा जुर्म है। इस पर हवालात में बंद कर दिया जाएगा। जद्दा में इंट्रेक्शन फवारे का इफ्तिताह। जद्दा बल्दिया ने सऊदी अरब के 28वें यौमुल वतनी के मौके पर साहिल समंदर पर इंट्रेक्शन फवारे का इफ्तिताह कर दिया। ये 300 मीटर ऊंचा है और यौमुल वतनी मनाने वालों ने यहां रात 12:15 तक फवारे के 8 इंट्रेक्शन शो देखे। तेल की पैदावार में इजाफा नहीं होगा खालिद अल फाहले। सऊदी वजीर तवानाई और सनत व मादनियात खालिद अल फाहले ने वाजे किया कि तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक और उसके उत्तेहादियों ने सरदस्त तेल पैदावार में इजाफा न करने का फैसला किया है। रुकन ममालिक और इत्तेहादी फिल वक्त जितना तेल निकाल रहे हैं इतना ही निकालते रहेंगे। वो अल्जज़ायर के दारुल हुकूमत में ओपेक और इत्तेहादी ममालिक के वज़राए पेट्रोलियम के 10वें इजलास के बाद सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फैसला ये किया गया कि तेल पैदावार में कमी के मुआहदे की 100% पाबंदी की जाए। कोई भी मुल्क इससे बाल बराबर भी इन्हराफ नहीं करेगा। उन्होंने इत्मीनान दिलाया कि तेल मंडी में ठहराव है, तलब और रसद का मियार लगभग एक जैसा है। तमाम मुतलका ममालिक साले रवां के इख्तिताम तक अपनी मुहिम जारी रखेंगे। 2019 के हवाले से रुकन ममालिक नई हिकमत अमली तय करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। ये था सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।